गुवाहाटी में धुल गया पहला T20 आई मैच। आज बात करते हैं एज फजिंग की, और मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा बिहाइंड द सीन्स गुवाहाटी के थोड़े से दर्शन। आकाशवाणी, अब गुवाहाटी इतनी दूर से, 3 घंटे की तो फ्लाइट होती है आने में लगते हैं मुंबई से, और 3-3.5 घंटे वापस आने में लगते हैं। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिल्ली से दुबई की फ्लाइट है, 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं आप। तो अब इतनी दूर जब आप पहुंचते हैं तो आपके दिल में क्या अरमान होते हैं कि मैच हो यार, मैच अच्छा हो, मतलब अच्छा ना भी हो तो भी मैच जरूर हो। और जब आप मैदान में पहुंचते हैं, मैंने क्या कहा था आपको, ये जो मैदान है, जो नया स्टेडियम है ना, ये इतना खूबसूरत है और ये इतने दिल से लोग यहाँ प्यार करते हैं खेल से, क्योंकि खेल यहाँ ज्यादा आता नहीं है, तो जमावड़ा भरा रहता है, पूरा ग्राउंड एकदम खचाखच भरा था, एक सीट खाली नहीं थी। मैच शुरू होना था 7 बजे, यहाँ पे 5 बजे से लोगों का मतलब वो कतारें लगनी शुरू हो गई थी, वो जरा बाद में देखना, मैं आपको दिखाऊंगा उसका वीडियो। तो उसके बाद जब मैदान पे पहुंचे, 7 बजे टॉस हुआ, 6:30 बजे टॉस हुआ, 7 बजे मैच शुरू होना था, बारिश आ गई। अब बारिश के बाद क्या लोग गए, बिल्कुल नहीं गए, जमे रहे, वेट करते रहे, शोर मचाते रहे, डांस करते रहे, वो टॉर्च की लाइटें जलाते रहे, बहुत काम किया उन्होंने, ये मैच नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड सूखा था, एकदम बोन ड्राई। भाई ग्राउंड सूखा है तो मैच क्यों नहीं हो रहा, मैच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पिच के ऊपर कुछ पानी के वो मतलब कुछ पैचेस बन गए थे। अब वो कैसे हुआ, ये जो पहले वो जो बोरी की वो एक दरी बिछाते हैं, उसके ऊपर कवर बिछाते हैं, मैं कहूँगा स्कूल बॉय एरर है ये। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये होने लगा ना, तो फिर आपको बहुत बार यू विल हैव टू लुक इनसाइड कि क्या ये सही है, क्या आप ठीक काम कर रहे हैं, क्या आपको यहाँ मैच कराने का हक बनता है, आप इतने सारे लोगों को, आप मुझे लग रहा है कि आप उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ी स्कूल बॉय एरर हमने देखी जहां पे पिच में पानी था। एक बात तो ये कि पिच में पानी चला गया, दूसरी बात ये क्या 5-5 ओवर का मैच नहीं हो सकता। आई मीन परफेक्ट कंडीशंस नहीं थी, आइडियल नहीं थी, लेकिन क्या इतनी खराब थी कि आप कोई इंजर्ड हो जाता, मेरे विचार है 5 ओवर के खेल में कोई नहीं होता बॉस। बट देन इंटरनेशनल क्रिकेट इतना स्ट्रिंजेंट रूल्स है हमारे कि वो लकीर के फकीर है, प्लेयर से तो पूछते भी नहीं आजकल कि भाई साहब आप खेलना चाहते हो। अंपायर्स पहले कहते हैं लेट्स एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, अगर हल्की सी भी गीली लग रही है ना परिस्थितियां, अरे बंद करो, छोड़ो मत, खेलो, बाहर चलते हैं, दूसरे मैच खेलेंगे, अभी ये मैच को रहने दो। आई मीन थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, जो 50,000 लोग मैदान पे आए ना, उनका दिल बहुत था कि 5-5 ओवर के लिए खेल लें, एक बार हमें कोहली की झलक दिख जाए, एक बार हम बुमराह का ओवर देख लें, पर ऑल दैट डिड नॉट हैपन। तो फिर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड। बट नाउ लेट्स क्विकली मूव टू द एज फजिंग। अब ये बड़ी मजेदार कहानी है, क्यों, क्योंकि मंजोत काला जी को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। ही वॉज इंडिया अंडर 19 प्लेयर, जब इंडिया जीता था वर्ल्ड कप तो उस टीम का वो हिस्सा था, दिल्ली डेली डेडेविल्स या डेली कैपिटल्स का हिस्सा भी था, डेली रांची ट्रॉफी में डेब्यू होने वाला था, अभी ये खेलने वाले थे वो, और 1 साल के लिए उनको बैन किया गया है। और 2 नाम आए हैं इसमें, एक नीतीश राणा का है, दूसरा शिवम मावी का, और ये भी अभी चर्चा है कि अब इनके साथ क्या होगा, इनकी भी फाइल्स खुलेंगी, डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, क्या इनको भी बैन किया जाएगा, अगर किया जाएगा तो KKR का क्या होगा। बट देन व्हाट्स द रूट कॉज ऑफ दिस, मतलब जो प्रॉब्लम, एज फजिंग, क्यों एज के साथ झूठ बोलते हैं क्रिकेटर्स। और ये सिर्फ भारतीय प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भी ये इशू है, ये एशियन इशू है, ये बांग्लादेश में भी होता है, ये श्रीलंका में नहीं होता, क्योंकि श्रीलंका में ना एक्चुअली श्रीलंका इज अ यूरोपियन कंट्री इन एशिया, वो अलग ही चलते हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान एज फजिंग अभी आपने देख ही लिया, वो तो लगातार चलता है। आफरीदी साहब तो अभी मेरे ख्याल से 17-18 के होंगे, शायद 30 के हो गए हो, बट देन बाकी ये इंडिया में समस्या रही है, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी साउथ इंडिया में शायद थोड़ी कम होगी, पर बहुत रैम्पेंट है ये। क्यों होता है, क्योंकि हमारे कल्चर ने एक चीज़ सिखा दिया है, क्रिकेटिंग कल्चर ऐसे लैंडस्केप बदला है कि अंडर 19 अंडर 16 को हमने बहुत इंपॉर्टेंस देनी शुरू की है, हमेशा से ऐसा नहीं था। जब सचिन तेंदुलकर खेले, वो 15 साल का बच्चा जब इंडिया के लिए खेला ना, तो सबको लगा कि अपना 15 साल की उम्र में आपको इंडिया के लिए खेल जाना चाहिए, ये तो संभव है नहीं, तो अंडर 19 इंडिया तो खेलना बहुत ही जरूरी है। और अंडर 19 इंडिया पे इतना तवज्जो देना शुरू किया, क्यों, क्योंकि अंडर 19 से सीधा लोगों ने रणजी ट्रॉफी खेलना ही बंद हो गया, मतलब एक जंप थी, आप अंडर 19 सीधा इंडिया, वो बीच में एक रणजी ट्रॉफी नाम की एक सागर था, उस सागर को आपको तैरने की जरूरत ही नहीं थी, आप टाप के उसके ऊपर जा सकते थे, और उस वजह से एक ये एनकरेजमेंट थी, एक इंसेंटिव था कि आप ना एज कम कराओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं छोटा था, मेरे पिताजी को बोला एक फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ने कि आप आकाश की ना एज कम करा दीजिए, क्योंकि एज कम कराएगा ना तो फिर ये देखिए अंडर 19 ज्यादा खेलेगा, इंडिया अंडर 19 भी खेलेगा, वहां पे हो सकता है वर्ल्ड कप भी खेलेगा, और फिर ना इसका आगे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एक बार के लिए मैंने सोचा, भी मेरे पिताजी ने भी सोचा, भाई इंटरनेशनल क्रिकेटर हमें टेस्ट क्रिकेटर ये बात समझा रहा है, ये एडवाइस दे रहा है,
But then we thought against it कि देखा जाएगा यार जो होगा सो होगा मतलब हो सकता है खेलूं हो सकता है ना खेलूं but then नहीं खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा यार मतलब let's stay honest ऐसा लेकिन सब जगह नहीं होता ऐसा सबके साथ नहीं होता तो एज फजिंग तब तक ये कॉमन रहने वाली है प्रॉब्लम रहने वाली है जब तक हम अंडर 19 क्रिकेट को एज ग्रुप क्रिकेट को हम इतना भवाल नहीं बना देंगे जहां से आप सीधा बाईपास करके सीधा इंडिया के लिए खेलने नहीं लग जाएंगे जब आप उस कड़ी को तोड़ देंगे कि आप अंडर 19 खेलिए इंडिया खेलिए दो साल रांची खेलोगे तभी इंडिया खेलने को मिलेगा अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करोगे ना एज फजिंग विल बी हिस्ट्री लेकिन जब तक वो नहीं करोगे तब तक एज ग्रुप क्रिकेट के ऊपर आपने तवज्जो दिया तब तक आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए बनी रहेगी बोन मैरो का आप टेस्ट कर लीजिए आप बोन ग्राफ्टिंग का टेस्ट कर लीजिए आप कोई भी टेस्ट कर लीजिए सब टेस्ट में कहीं ना कहीं करप्शन तो की जा सकती है तो फिर मैं तो कहूंगा कि एज ग्रुप जो क्रिकेट है इसको थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट बना दो सौरभ गांगुली राहुल द्रविड़ दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम चलो अब ये तो बात हुई एज फजिंग की गुवाहाटी की बात हो गई अब गुवाहाटी के जरा पीछे के दर्शन भी करा देते हैं आपको आता ना कि बहुत भीड़ थी यहाँ पे सुबह मैच से पहले एकदम खचाखच भरा हुआ मैदान भाई साहब सारी टिकटें बिक गई है ना आज तो एक जगह खाली नहीं है तो ये रोहित कोहली अरे रोहित तो नहीं है पर टी शर्ट्स पे है मतलब इंडिया खेले या ना खेले लेकिन रोहित तो आपको वहां नजर जरूर आएंगे जैसे विराट नहीं होते तो विराट नजर आते हैं अब तो चारों तरफ भैया लोग ही लोग वो मेरा वीडियो बना रहे हैं मैं उनका बना रहा हूँ आपके फैन अभी क्या कर रहे हैं अभी थोड़ा सा माइकअप कर रहे हैं तो गेम प्लान की हो रही तैयारी एक सेकंड राइट वाला जीवन लेफ्ट है जीवन ऊपर की देखिए कितनी सारी वायर्स इट मे जस्ट डू गो डाउन टू द वायर कहाँ हैं हम हैं पीसीआर में ओके डायरेक्टर टॉकिंग हेलो डॉक्टर डायरेक्टर हेलो डायरेक्टर नहीं सर नोबडी इज नो ही इज नॉट डायरेक्टर हेलो महेश देखिए हर्षा जी कुछ नाम शायद लिखा हो पड़े शायद मेरे लिए ही बना होगा जी हुजूर आप केला जरूर होस्ट एपी Hello, Mahesh, how are you, brother? I'm very good, thank you. देखिए हमारा ये कमेंट्री का एरिया रहता है ये है अंग्रेजी के हमारे कमेंटेटर दोस्त और ये हमारे हिंदी के कमेंटेटर दोस्त वो हमारा स्टूडियो भी बना है साइड में देखिए ये भी होता है एड्रेस हमारे कमेंट्री बॉक्स में डायरेक्शनल स्टैट्स का है हमें वो इंग्लिश का कमेंट्री बॉक्स है हिंदी का कमेंट्री बॉक्स है और ये हमारे बहुत सारे भाई लोग हैं भाई साहब देखते हो नमस्कार हैशटैग आकाशवाणी हाँ जी आकाशवाणी देखा कीजिए आप ठीक है धन्यवाद और ये मेरे टीम के लोग ये गेम प्लान के लिए बहुत ये प्रसिद्ध हैं इनका नाम है ऋषिकेश और ये है समीर एक हवा का झोंका आया ये अब हमारे एक फ्रीलांसर ये कैमरा पर्सन अर्जुन जी और ये एडी हमारे पास दो दो एडी हैं एक्चुअली नितिन अम्बुलकर जी ये हमारे प्रोड्यूसर हैं हिंदी के और ये एडी आप खुश नहीं हुए इस बात से चलिए मजा आया अब आज की कहानी तो ये थी अब कलम जाएंगे इंदौर में होगा मुकाबला अब इंदौर में है मुकाबले से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ क्या कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक्चुअली इस साल आईपीएल जीत सकती है मतलब जीते ना जीते अच्छा तो जरूर करना चाहिए वो करना पड़ेगा